एपिसोड 4 की शुरुआत होती है और प्रेसिडेंट गहरी सोच में होते हैं, आखिर क्या करना चाहिए। इतने में उनका सेक्रेटरी आकर उन्हें कहता है, क्या आप तैयार है? बाहर सभी लोग आपका वेट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट उसे इशारों में हाँ में जवाब देता है। बाहर सारे रिपोर्टर उनका वेट कर रहे होते हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर उनकी सुरक्षा का अरेंजमेंट कर रहे होते हैं। इतने में एक ऑफिसर को कॉल आता है और वो कॉल पे न्यूज़ सुनकर उस शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है, क्या वो मुझ पर भरोसा करेंगे? और सामने से हाँ में जवाब आता है, लेकिन ऑफिसर काफ़ी परेशानी रहता है। दूसरी तरफ क्लेयर को दिखाया जाता है और वो अब किडनैप हो चुकी है। होश में आते ही वो सामने विलियंस को देखती है। विलियंस उसे कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, इससे पहले आप कुछ बोले मैं आपको पेनामिस्तान के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में समझाना चाहता हूँ। जैसे कि पेनामिस्तान में आपको स्कूल बनाने का या फिर उन लोगों के लिए फंड अरेंजमेंट करने का काम था, लेकिन आपने वो चीज़ नहीं किया। क्लेयर उसे पूछती है, आखिर तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? विलियंस उसे कहता है कि आसान है, तुम्हें बस इस इन्वेस्टिगेशन को रोकना होगा, बदले में जो तुम चाहो मैं वो तुम्हें दूंगा और ये एक डील होगी हमारे बीच में। विलियंस उसे आगे कहता है कि मैं तुम्हें एक जीने का मौका भी दूंगा। इस पर क्लेयर उसे कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन विलियंस उसे कहता है कि देखो मैं एक बेहतर भविष्य बनाने में लगा हूं जिसमें सारे लोग खुशी से रहेंगे। क्लेयर उसे कहती है कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे इशारों पर नाचे, ये तो अच्छा है। विलियंस अपने आप को सही साबित करने में लग जाता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि उस नोट में क्या लिखा है, लेकिन वो एक सबूत भी हो सकता है और वैसे भी जिसने भी वो लिखा था वो खुद वायरस से इन्फेक्टेड था। जल्दी ही प्रेसिडेंट भी अपना विचार लोगों के सामने देने वाले हैं। उसके बाद पेनामिस्तान हमारे कब्जे में होगा, उसके बाद यूएस आर्मी अपना कब्जा जमा लेगी जिसमें हमारे सोल्जर भी शामिल होंगे, जो कि सोल्जर कम एक जानलेवा हथियार होंगे। फिर देखते ही देखते वो देश पूरी वॉर जोन में बदल जाएगा और वहाँ से हम हथियार पूरी दुनिया में सप्लाई करेंगे। और तुम्हें बताऊँ, इस बड़े से लैब में मैंने एक वैक्सीन भी बनाई है, बस उसी से ही इसे कंट्रोल किया जा सकता है। क्लेयर उसे कहती है कि तुम अपने फायदे के लिए लोगों को हथियार में बदल रहे हो। विलियंस उसे कहता है कि मैं ऐसा सोल्जर बना रहा हूँ जो कभी भी मर नहीं सकता, बस उसे एक मेडिसिन लेनी होगी जो कि हमारे पास है और वो टाइम टू टाइम वो लड़ते रहेगा और कभी ना थक कर वो एक पहले से भी ज़्यादा मजबूत बनेगा और ये क्रांति की नई शुरुआत होगी। लेकिन क्लेयर उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा मत करो, लेकिन विलियंस उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं आप लोगों से भी ज़्यादा बेहतर दुनिया बनाऊँगा। और तभी पीछे से जेसन का आवाज़ आता है और वो कहता है, बेहतर तो तुम बनाओगे लेकिन किस तरह, इस गंदगी की तरह? क्लेयर जेसन को देखकर चौंक जाती है। शेनमे और लियो ये लोग अंडरग्राउंड में आ जाते हैं। शेनमे कहती है कि जेसन ने मुझे कहा था कि विलियंस यहीं पर काम करता है सबसे छुपकर और वो यहीं पर हथियार बना रहा है। विलियंस जेसन को देखकर कहता है कि मुझे उम्मीद है मरने के बाद फिर से जिंदा होकर तुम्हें अच्छा लगता होगा। जेसन कहता है कि मैं पिछले 6 साल से सभी के लिए मर चुका हूँ, अब तो ये मेरे लिए आदत सी बन चुकी है। इतना कहकर वो उसे उठाकर कांच पर पटक देता है और वो उसे कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुम एक खटिया इंसान हो। विलियंस अपने आप को बचाने के लिए उसे इंजेक्शन का लालच देता है और वो उसे कहता है कि इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी और पूरी दुनिया में मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन जेसन उसे कहता है कि अब और नहीं, और यहाँ पे वो अपना असली रूप दिखाता है। वो पूरी तरह एक खतरनाक वेपन में बदल जाता है, एक ऐसा वेपन बनता है कि जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता और वो विलियंस को इन्फेक्टेड कर देता है। और उसी वक्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं ताकि ये जो चीज़ है जो बाहर ना जा सके। और उसी समय लियो और शेन में भी अंदर आ जाते हैं और जैसे ही सिक्योरिटी दरवाजे बंद हो जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंदर लावा लीक करता है ताकि विलियंस ने जितने भी सोल्जर बनाए थे वो वहीं पर ख़त्म हो सके। शेनमे और लियो ये दोनों जेसन के पास आ जाते हैं। जेसन कहता है कि मैं सब कुछ ख़त्म कर दूंगा, लेकिन शेनमे उसे कहती है कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मेरे भाई ने एक चिप बनाई थी, अब वो मेरे पास है और वैसे भी ये लैब एक सबूत के तौर पर हम लोगों के सामने दिखाएंगे और जैसे हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही करेंगे। लेकिन जेसन उसे कहता है कि ये देश हमारी बात नहीं मानेगा और वैसे भी मैं अपना इरादा नहीं बदलने वाला, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि डर किसे कहते हैं। इतना कहकर वो ऊपर की तरफ भागता है। लावा बढ़ते बढ़ते क्लेयर के पास आ जाता है। लियो उसे रोकने की कोशिश करता है, वो उसे कहता है कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन जेसन उसे कहता है कि मेरे पास ही यही एक मौका है,
लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि तकलीफ किसे कहते हैं। लियो उसे रोकने के लिए गोली चलाता है, लेकिन गोली का असर उसे बिल्कुल भी नहीं होता। उल्टा वो ब्रिज को उठाकर पटक देता है, जिस वजह से लियो और शेनमैन दूसरी तरफ जाकर गिर जाते हैं। लियो ब्रिज को लटक जाता है और शेनमैन जेसन के पास आकर गिर जाती है। शेनमैन उसे फिर भी समझाने की कोशिश करती है और वो उसे कहती है कि तुमने मेरे भाई की जान बचाई थी और मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकती। जेसन उसे कहता है कि मैं पहले ही मर चुका हूँ। इतना कहकर वो उसका हाथ तोड़ देता है, गर्दन पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है और इस तरह से उसे मार देता है। लियो काफी स्ट्रगल कर वो ब्रिज के ऊपर आ जाता है और वो क्लेयर को बचाने भागता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट मीडिया के सामने आ जाते हैं। इतने में ऑफिसर प्रेसिडेंट से कहता है कि इस हमले के पीछे चाइना नहीं है बल्कि विलियंस है और वो चाहता था कि आप जंग की शुरुआत करो, लेकिन आप इसे रोक सकते हैं। प्रेसिडेंट उसे पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता। तब लियो का वो नाम लेता है। प्रेसिडेंट उसे बिना रिएक्शन दिए माइक के सामने आ जाते हैं और यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी ओरिजिनल स्पीच बदल देता है और वो लोगों के सामने पॉजिटिव बात करता है। वो कहता है कि दुनिया में सभी को सम्मान रूप से जीने का पूरा अधिकार है, हम अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करते और पेनामिस्तान जैसे देश को संभलने का पूरा मौका देंगे और उसे लगने वाली सारी चीज़ें हम उसे प्रोवाइड करेंगे। दूसरी तरफ लियो और क्लेयर जेसन के पीछे जाते हैं ताकि उसे लैब में से बाहर जाने से रोक सके। लियो क्लेयर से कहता है कि तुम कंट्रोल रूम में जाओ और उसे रोकने की कोशिश करो ताकि वो ऊपर ना जा सके, और वो ऐसा ही करती है। कंट्रोल रूम में जाकर वो सारे पैनल को नीचे कर देती है और इस वजह से जेसन जिस पैनल पे खड़ा होता है और वो भी नीचे की तरफ आ जाता है। लियो लैब सिक्योरिटी रूम में जाकर वहाँ से एक बड़ी गन उठाता है और वो पैनल को उड़ा देता है जिस पर जेसन खड़ा होता है, लेकिन फिर भी जेसन अपने आप को बचा लेता है और वो गुस्से में आकर लियो के ऊपर एक ब्रिज उखाड़कर फेंक देता है और लियो की तरफ आकर उसे पकड़ लेता है। लियो दूसरी गन से उसका हाथ तोड़ देता है और चालाकी से वो पैनल का गेयर ओपन कर देता है और इस वजह से दोनों जन नीचे गिरते हैं। लियो अपने आप को बचा लेता है लेकिन जेसन लावा में गिर जाता है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट भी लोगों को एक मोटिवेशन स्पीच देकर लोगों का मन जीत लेता है और इस वजह से सारे लोग खुश हो जाते हैं। लियो क्लेयर के पास जाता है, तभी जेसन अधमरी हालत में पड़ा होता है और लियो उसे देखकर कहता है कि अब इस दुनिया में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं होगा, बस सभी जगह पे शांति शांति होगी। जेसन अधमरी हालत में उसे कहता है कि तुम गलत हो और यह बस एक शुरुआत है और ये यहीं पर ख़त्म नहीं होगा और इसकी शुरुआत तुम करोगे, और ये बात सुनकर लियो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जेसन आगे कहता है कि जब भी तुम डरोगे और इसे रोकने की कोशिश करोगे लेकिन तुम इसे रोक नहीं पाओगे और ये फैलता जाएगा, और इतना कहकर वो मर जाता है। लेकिन लियो उसकी बात के ऊपर सोचने में मजबूर हो जाता है। अगले दिन सुबह ऑफिसर लियो के पास आता है और उसकी तारीफ करता है। प्रेसिडेंट भी उसे इशारों से शुक्रिया अदा कहते हैं और वो चले जाते हैं। आगे हमें पता लगता है कि विलियंस अभी भी जिंदा है और उसे एक बड़ी एजेंसी ने बचा लिया होता है और वो एंटीडोट लेकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद क्लेयर लियो से आकर मिलती है और वो चिप के बारे में उसे पूछती है जो कि शेनमैन की वजह से लियो को मिली होती है। क्लेयर उसे कहती है कि तुम ये चिप मुझे दे दो, मैं इसकी सारी जानकारी दुनिया के सामने प्रेजेंट करूंगी, लेकिन लियो उसे देने से मना कर देता है। क्लेयर उसे कहती है कि तुम लोग दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो लेकिन मैं अपना काम करूंगी, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन लियो यहाँ पे अपने आप से एक वादा करता है, चाहे जैसे भी हो मैं इसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ रेसिडेंट ईवल इन्फिनिट डार्कनेस का सीजन 1 का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है और साथ ही ये सीरीज भी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज को और टीवी सीरीज और हॉलीवुड मूवीज को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ।